हेलो 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 गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल इनफ इन योर लाइफ। सो नाउ लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनबाउंड एंड आउटबाउंड प्रोसेसेस या इन बीपीओ सेक्टर। बिकॉज इफ यू आर विलिंग टू टेक द जॉब इन बीपीओ, यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द इनबाउंड बीपीओ एंड आउटबाउंड बीपीओ विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स बट as well as with the help of mission parivartan. So let's go and discuss with example, so you will get the right answer of your question. By the way, मैं आप लोगों का यहाँ पर time waste नहीं करने वाला हूँ। मैं simply आप लोगों को बताने वाला हूँ, inbound का मतलब होता है incoming calls। Definitely अगर आपके पास में कॉलें आ रही हैं किसी के द्वारा, it means you are in the process of इनबाउंड। ओके, इनबाउंड के प्रोसेस के अंदर ही हैं आप। बीपीओ दो प्रकार के हो सकते हैं, इनबाउंड भी जहां पर इनकमिंग कॉल्स आती हैं, रिसीव करते हैं कौन कौन, हम सब लोग जो जॉब लेते हैं बीपीओ में। अगर आप जॉब लेते हैं बीपीओ में तो उस समय आपके पास में इनकमिंग कॉल्स आ सकती हैं और उसी को इनबाउंड प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द आउटबाउंड इन द नेक्स्ट स्लाइड। बिल्कुल सेम उल्टा इनबाउंड का होता है आउटबाउंड, यानी कि यहां पर आप लोग खुद कस्टमर को कॉल करते हो। अगर आप कोई भी छोटी मोटी जॉब कर रहे हो, अगर आप किसी को कॉल करते हो, ठीक है, किसी को मैसेज करते हो, किसी को ईमेल करते हो, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, उसको रीच कर रहे हो आउटबाउंड प्रोसेस के माध्यम से। डेफिनेटली अगर आप कॉल कर रहे हो आउटगोइंग, आउटगोइंग का मतलब तो समझ गए ना, यानी कि अगर आप कॉल कर रहे हो किसी और को कोई भी प्रोडक्ट सर्विसेज समझाने के लिए, बेचने के लिए, इट मींस यू आर इन द प्रोसेस ऑफ आउटबाउंड। ठीक है, इससे सिंपल मुझे नहीं लगता अभी कोई समझा पाएगा, प्लीज। ओके, सो मुझे लगता है यू गॉट द इंफॉर्मेशन व्हाट यू वांटेड द मोस्ट हियर। ओके, सो सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू लाइक द वे आई टॉक इन वीडियोज and share the video as much as you can. In simple language, I told you a lot.